मोटर न्यूरॉन डिजीज यानी MND एक क्रॉनिक कंडीशन है जो हमारे खास तौर से समाज के बुजुर्ग व्यक्तियों को परेशान कर देती है एक पैरालिसिस के रूप में और उनके डे टू डे मूवमेंट पे फर्क डाल देती है। हम कोशिश करेंगे आज समाज के उन्हीं बुजुर्ग साथियों को बुजुर्ग लोगों को राहत देने की अपनी सलाह के रूप में दवाओं के रूप में होम्योपैथिक और ये प्रयास होगा कि हमारे देश के बुजुर्ग साथी ऐसी क्रॉनिक समस्या से बाहर निकल सके। तो आपके सामने हैं कुछ होम्योपैथिक दवाएं जो MND में आपको मैनेज और क्योर करके आपको वेल बीइंग में अपनी मदद करेंगी। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक केस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन मोटर न्यूरॉन डिजीज यानी MND की। मोटर न्यूरॉन डिजीज एक क्रॉनिक कंडीशन है क्योंकि यह आपका जो ब्रेन से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू बॉडी पे एक सिग्नल जाता है, इंस्ट्रक्शंस जाते हैं, उसको बीच में रोक देता है। तो जब आपके मोटर न्यूरॉन्स डिजेनरेट करने लगते हैं तो जो आपके ब्रेन से सिग्नल होता है वो आपकी बॉडी की मसल्स तक नहीं पहुंच जाता और ये शरीर आपके ब्रेन के हिसाब से काम नहीं करता। यही परिस्थिति को मोटर न्यूरॉन डिजीज कहते हैं। इसके तमाम सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट ALS होता है, एमाइलोट्रॉपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, सबसे इम्पॉर्टेंट यही फैक्टर होता है। बाकी कई तरह का मोटर न्यूरॉन डिजीज होता है। आज हम बात करेंगे इसी विषय की और आपको बताएंगे कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो आपके मोटर न्यूरॉन डिजीज को मैनेज करने और कंट्रोल करने में आपकी मदद करेंगी। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि MND होता क्या है। MND यानी मोटर न्यूरॉन डिजीज, इसको समझने के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो हमारे ब्रेन से मसल्स तक के सिग्नल आते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं। एक वक्त आता है ख़ास तौर से 60 साल 50 साल के व्यक्तियों में कि यह मोटर न्यूरॉन्स की डेथ होने लगती है, ये डिजेनरेट होने लगते हैं। जब मोटर न्यूरॉन्स डिजेनरेट हो जाते हैं तो आपको जो सिग्नल ब्रेन के होते हैं या स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं आपके ऑर्गन्स तक नहीं जा पाते। दो तरह के मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर। अपर मोटर न्यूरॉन आपके ब्रेन में होते हैं और लोअर मोटर न्यूरॉन्स आपके स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। लेकिन जो इससे सिग्नल मसल्स में जाते हैं वो जाते उन्हीं मोटर न्यूरॉन्स से, चाहे अपर हो चाहे लोअर। और यह डिजेनरेट होने के कारण आपका बॉडी, आपका इंस्ट्रक्शन आपके हिसाब से काम नहीं करते और यही मोटर न्यूरॉन डिजीज होता है। मोटर न्यूरॉन डिजीज साथियों कई प्रकार का होता है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ALS, एमायोट्रॉपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जिसमें कि आपके बोथ अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स यानी कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व होता है, यानी जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं और जो स्पाइन के न्यूरॉन्स होते हैं वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और जब यह दोनों डिजेनरेट होने लगते हैं तो आपको ALS यानी एमायोट्रॉपिक लेटरल स्क्लेरोसिस का डिजीज होता है। दूसरी स्थिति होती है प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस या PLS, या वो स्थिति होती है कि जब आपको ओनली अपर पार्ट न्यूरॉन यानी कि ब्रेन का हिस्से में आपके डिजेनरेशन होता है न्यूरॉन्स का और आपका जो अपर पार्ट होता है या प्रॉपर आपके हिसाब से रिस्पॉन्ड बॉडी का नहीं करता है। तीसरी स्थिति होती है प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी। प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी वो स्थिति होती है जब आपका ब्रेन स्टेम जो होता है मेडुला ओब्लॉन्गाटा के पास, यहाँ पे डिजेनरेशन शुरू होता है और आपको खाने में, चबाने में, बोलने में दिक्कत होने लगती है। यह भी एक फॉर्म है MND का, मोटर न्यूरॉन डिजीज का, जिसको प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी कहते हैं। फिर एक प्रकार आता है प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी, PMA। प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी में आपकी मसल्स वेस्ट होने लगती हैं, मसल्स घुलने लगती हैं, आपके हाथ और पैर पतले होने लगते हैं। यह भी एक मोटर न्यूरॉन डिजीज की ही स्थिति होती है। फिर एक स्थिति आती है साथियों स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जेनेटिक होती है जो कि बच्चों में कैरी फॉरवर्ड होती है और इससे बच्चों के जो लिम्ब्स होते हैं, हाथ और पैर होते हैं, उनके मूवमेंट का रिटार्डेशन होता है। तो
तो ये कुछ प्रकार का मोटर न्यूरॉन डिजीज होता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, होम्योपैथी में इस समस्या का निदान है। आज हम आपको उसी के विषय में आपकी मदद का हिस्सा बनने के लिए यह दवाएं बताएंगे। साथियों, MND यानी मोटर न्यूरॉन डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं वह 3 स्टेजेस में क्लासिफाई होते हैं, अर्ली, मिडिल और एडवांस्ड। अर्ली स्टेज में ये स्थिति होती है कि आपको थोड़ा सा चलने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होती है, इस तरह की तकलीफें होती हैं, यह अर्ली स्टेज होती है। और मिडिल स्टेज वहाँ होती है जब आपकी मसल्स ख़त्म होने लगती है, उनकी वेस्टिंग शुरू हो जाती है। और जो तीसरी स्थिति होती है एडवांस, उसमें यह होता है कि आप बिना किसी की मदद के कोई काम नहीं कर पाते। तो ये 3 तरह के सिम्टम्स में, आपके जो सिम्टम्स होते हैं 3 तरह की स्टेज में इस प्रकार से आते हैं। बात कर लेते हैं कारणों की। साथियों, MND यानी मोटर न्यूरॉन डिजीज के एग्जैक्ट कारण आज तक मेडिकल साइंस को अननोन है कि आपके मोटर न्यूरॉन्स क्यों डिजेनरेट होते हैं। लेकिन नॉर्मली माना गया है कि जेनेटिक कारण होते हैं, एनवायरमेंटल कारण होते हैं, टॉक्सिक कारण होते हैं, टॉक्सिसिटी एक कारण होता है, इस तरह तमाम कारण होते हैं जो आपके MND के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और हाँ, एक कारण स्ट्रेस होता है, क्योंकि स्ट्रेस से आपके ब्रेन का एग्जॉशन होता है और तभी इस तरह के डिजेनरेशन शुरू होते हैं। तो यह कुछ कारण थे MND के। हम आपको बताएंगे साथियों इस समस्या से निकलने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। लेकिन दवाएं बताने से पहले साथियों बता दें, दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं, क्योंकि MND एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है, इसलिए कोई भी दवा कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे बिना ना लीजिएगा। चलते हैं साथियों उस सफ़र पे जिस पे आपको जानकारी देते हैं कुछ बेहतरीन होम्योपैथिक दवाओं की जो आपके MND को मैनेज और क्योर करने में सहायक हो सकती हैं। साथियों, नंबर 1 दवा जो होम्योपैथी में मोटर न्यूरॉन डिजीज को मैनेज और क्योर करने की आती है वह है प्लम्बम मेटालिकम। अगर आपके मसल्स की वेस्टिंग हो रही है, मसल्स आपकी वीक हो रही हैं, आपको वीकनेस बहुत आ रहा है, फटीग आ रहा है, तो उस स्थिति में MND को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है प्लम्बम मेटालिकम। आप इसको 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह आपकी मसल्स की एट्रोफी को रोकेगा, मसल्स की वीकनेस को रोकेगा और आपको बल प्रदान करेगा कि आपको अपनी स्थिति में इम्प्रूवमेंट दिख सके। एक स्थिति साथियों मोटर न्यूरॉन डिजीज में आती है कि सर्दी के कारण आपका MND ट्रिगर हो गया। जब सर्दी के कारण आपकी तकलीफें बढ़ गई और आपका जो खास तौर से फेशियल मसल्स हैं, आपकी जो टंग है या मैप्ड हो गई, यानी साइड में इसके रिजेज आ गई और आपको मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया। तो अगर यह स्थिति हो जहाँ पे कोल्ड एग्रावेशन इसका एक कॉज हो, चाहे वो वेदर हो, चाहे आप जहाँ रहते हो वो क्लाइमेट हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है नेट्रम म्यूरेटिकम। आप नेट्रम म्यूर 1 mg/3 खुराक 55% के फासले पर वीकली ले सकते हैं। यह आपके MND को ठीक करेगी, आपको लाभ देगी और इस जटिल समस्या से आपको बचाएगी। एक स्थिति साथियों MND में बनती है मोटर न्यूरॉन डिजीज में कि आपका पैरालिसिस होने लगता है किसी विशेष पार्ट का। मान लो किसी एक हाथ आपका ठीक से वर्क नहीं कर रहा, दूसरा हाथ नहीं कर रहा, पैर नहीं कर रहा, गर्दन नहीं कर रही, जॉ मसल नहीं कर रही, तो इस तरह इंडिविजुअल पार्ट का अगर आपको पैरालिसिस होने लगा है मोटर न्यूरॉन डिजीज में, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कॉस्टिकम। आप कॉस्टिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके मोटर न्यूरॉन डिजीज को क्योर करने में आपकी सहायक होगी और जो ये सिंगल बॉडी पार्ट पैरालिसिस हो रहा है इसको रोक के आपको लाभ देगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों किसी में आ सकती है कि एक्सट्रीमिटीज़ के जो फिंगर्स होती हैं हाथ या पैर की, उनका भारीपन आ जाना। तो अगर यह स्थिति हो कि हाथ पैर की फिंगर्स में भारीपन आ रहा है, तो उस स्थिति को ठीक करने की मोटर न्यूरॉन डिजीज के केस में बहुत अच्छी दवा है फॉस्फोरस। आप फॉस्फोरस 1 mg/3 खुराक 55% के फासले पर वीकली ले सकते हैं। यह दवा जो आपके न्यूरोपैथी हो रही है, आपकी ठीक से मोटर न्यूरॉन्स आपकी उंगलियों तक सिग्नल ब्रेन का नहीं जा रहा है, इसको ठीक करके आपके मोटर न्यूरॉन डिजीज को ठीक करने में मदद करके यह दवा जो फास्फोरस है आपको लाभ देगी। मोटर न्यूरॉन डिजीज विशेषकर बुजुर्ग लोगों में होता है, तो इसलिए इसकी एक बहुत अच्छी जनरल दवा है मोटर न्यूरॉन्स को कंट्रोल करने की ब्राइटा कार्ब। आप मोटर न्यूरॉन डिजीज अगर ओल्ड एज में आपको है, तो आप ब्राइटा कार्ब 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार शुरू कर सकते हैं। साथ में यह आपके मसल्स को ताकत देगी और आपकी जो पैरालिटिक कंडीशन है उसको रोक के आपको लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है किसी के मोटर न्यूरॉन डिजीज हो और
वहाँ मरीज खाना ना खा पाता हो, खाना उसका ना उतरता हो, खाना सांस की नली में चला जाता हो। तो अगर यह स्थिति और मोटर न्यूरॉन डिजीज है, पैरालिसिस है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कोनियम मैक्यूलेटम। आप कोनियम मैक 1 mg पावर में 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। यह दवा आपके पैरालिसिस को भी रोकेगी और MND के कारण जो आप पूरा खाना नहीं खा पा रहे हैं, खाना पूरा जो है स्वालो नहीं हो पा रहा है, उसको भी रोक के आपको MND को क्योर करने में मदद करेगी। फिर एक साथियों स्थिति आती है कि आपके फेशियल मसल्स ट्विच करने लगती हों। अगर आपकी फेशियल मसल्स में ट्विच ऐठन ऐसी हो रही है तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है OPM। आप OPM 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकती हैं। यह दवा जो आपका इनवॉलेंट्री मसल्स का ट्विचिंग हो रही है उसको रोकेगी और आपके रिलैक्स लाएगी और आपके मोटर न्यूरॉन डिजीज को भी हेल्प करने में मदद करेगी। एक स्थिति साथियों मोटर न्यूरॉन डिजीज के केस में किसी को आ सकती है कि आपको अपर पार्ट यानी आपकी जुबान भारी लगने लगे, आप बोल ना पाए, इस तरह की आपके मोटर न्यूरॉन डिजीज का प्रोग्रेशन हो। तो अगर आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं और जुबान भारी लग रही है, आपको मोटर न्यूरॉन डिजीज है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है ग्वाको। आप ग्वाको 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी स्पेल को भी ठीक करेगी, आपके जुबान को भी ताकत देगी और जो अपर जॉ में बल्बर पालसी में जो आपके दिक्कत हो रही है उसको ठीक करेगी। ग्वाको आपका हियरिंग लॉस को, MND के कारण होने वाले हियरिंग लॉस को भी न्यूट्रलाइज करने में बहुत कारगर है। तो अगर आपको साफ सुनाई नहीं पड़ रहा है, ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा है, यह स्थिति भी आ रही है MND में मोटर न्यूरॉन डिजीज में, तो आप ग्वाको दवा लेकर अपने को लाभ दे सकते हैं। एक स्थिति साथियों आती है कि किसी के मोटर न्यूरॉन डिजीज हो और वह अपनी पलकों को ना रोक पा रहा, उसकी पलकें बार बार गिर जाती हों, इसको टोसिस कहते हैं। तो अगर यह स्थिति आप में है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है क्यूरेर। आप क्यूरेर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके मोटर न्यूरॉन डिजीज को ठीक करेगी, आपकी टोसिस को ठीक करेगी और आपको बेहतर बनाएगी। एक स्थिति साथियों में आती है कि आपको अनावश्यक बॉडी के मूवमेंट्स हो रहे हैं, जैसे आपको हंसी बहुत ज़्यादा आ गई, इमोशनल, जहाँ पर मोटर न्यूरॉन डिजीज के साथ आपके इमोशनल रिएक्शंस, अनकंट्रोल्ड इमोशनल रिएक्शंस आने लगते हैं, उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और उस दवा का नाम है मैंगेनम ऑक्सीडेटम। आप मैंगेनम ऑक्सीडेटम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं। जब आपको इमोशनल एक्सप्रेशंस आपके आने लगते हों, अनकंट्रोल्ड, जैसे लाफ्टर हो गया, इस तरह के अगर आपको इमोशंस आने लगते हों, तो यह मैंगेनम दवा बहुत कारगर है आपकी समस्या को ख़त्म करने के लिए। एक स्थिति साथियों MND में आती है, मोटर न्यूरॉन डिजीज में आती है कि मरीज हकलाने लगता है। तो अगर आपके स्टैमरिंग है और आपको मोटर न्यूरॉन डिजीज है, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है स्ट्रेमोनियम। आप स्ट्रेमोनियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी स्टैमरिंग को भी ख़त्म करेगी और आपके मोटर न्यूरॉन डिजीज को भी ठीक करेगी। एक स्थिति साथियों आती है कि मोटर न्यूरॉन डिजीज किसी मरीज में हो सकता है और साथ में उसको कॉन्स्टिपेशन बहुत हो सकता है और उसके इमोशंस पे उसका कंट्रोल नहीं रहता है। तो अगर यह स्थितियाँ हो कि अनकंट्रोलेबल इमोशंस हो, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो और मोटर न्यूरॉन डिजीज हो, तो अगर यह स्थिति है साथियों, तो MND को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है होम्योपैथी में नक्सवोमिका। नक्सवोमिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यह दवा आपको लाभ देगी, आपके इमोशंस को ठीक करेगी और आपके MND को भी ठीक करेगी। एक स्थिति साथियों MND मोटर न्यूरॉन डिजीज में आती है कि आपका आधे फेस पे पैरालिसिस आ गई। तो अगर आपके पैराप्लेजिया हो, हेमाप्लेजिया हो, आधे हिस्से पे पैरालिसिस एक तरफ आ रही है, तो उस स्थिति में मोटर न्यूरॉन डिजीज को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है कोकुलस इंडिकस। आप कोकुलस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके पैरालिसिस को भी ख़त्म करेगी, आपके मोटर न्यूरॉन डिजीज को भी कंट्रोल करेगी और आपको ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने में सहायक होगी, क्योंकि आपको यह समस्या से निकालने में सहायक दवा है। एक स्थिति साथियों MND के केस में आती कि आपको कंप्लीट पैरालिसिस हो गई, जो भी पार्ट आपका वर्क नहीं कर रहा है वो कंप्लीट वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर यह स्थिति है कि आप
को एक बॉडी पार्ट पूरी तरह पैरालाइज हो गया है, तो उस स्थिति को भी ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है, और दवा का नाम है जेलसीमियम सेमी परवाइनम। आप जेलसीमियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको विशेष ऑर्गेन की पैरालिसिस हो रही है, कंप्लीट पैरालिसिस हो रही है, और आपको डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस, इस तरह के सिम्टम हैं, तो उस स्थिति में आपकी मदद करेगी जेलसीमियम। आप यह दवा लेके अपनी पैरालिसिस को दूर कर सकते हैं। जेलसीमियम को साथियों किंग ऑफ पैरालिसिस भी कहते हैं। एक स्थिति साथियों MND में आती है, मोटर न्यूरॉन डिजीज में आती है, कि मरीज गिरने लगता है। तो अगर यह स्थिति हो, टेंडेंसी ऑफ फॉलिंग हो, मरीज गिरने लगता हो MND के कारण, तो उस स्थिति में उसकी मदद करने की बहुत कारगर दवा है लेकैसिस। आप लेकैसिस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली उस व्यक्ति को दे सकते हैं जिसको कि गिरने की टेंडेंसी है। रात में उनकी तकलीफें ज़्यादा बढ़ती हैं, और कहीं ना कहीं उनके ब्लू पिगमेंटेशन भी, चाहे ज़ुबान पे हो, चाहे उन मसल्स में आने लगा हो जिसमें पैरालिसिस हुई है, और उनको बोलने की बहुत ज़्यादा आदत हो, तो अगर यह सिम्टम है तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस लेकैसिस है। ये साथियों को दवाएं थी MND की, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ की। निश्चित तौर पर साथियों दवाएं कारगर हैं, लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कोई भी दवा कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे बिना ना लीजिएगा, लेकिन ये एक तरीका था होम्योपैथी से आपको इंट्रोड्यूस कराने का। मन में कोई क्वेरी हो साथियों तो व्हाट्सएप करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरी, कोशिश करेंगे आपकी बात का जवाब दे सकें। आपसे निवेदन करेंगे साथियों वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि ये बुजुर्ग लोगों की मदद कर सकती है। अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।